केस अभी तक चल रहा है? हाँ, सुनील वर्मा का झूठ लगातार जीत रहा है और मेरा सच लगातार हार रहा है। रितु, सच्चाई से मुंह मोड़कर बचा नहीं जा सकता। मेधा, मैं नहीं जानती तुम यहां क्यों आई हो, प्लीज चली जाओ। जाओ जाओ और जाकर तुम्हारे पति को एक और घिनौना पाप करते हुए देखो। मेधा, मिसेस रितु वर्मा, तुम्हारे पति ने जो गुनाह किया है उस वजह से एक बेगुनाह फांसी पर चढ़ जाएगा। मेरा उसके इससे कोई ताल्लुक नहीं। तुम्हारा उसके इससे कोई ताल्लुक नहीं, तुम्हारा धर्म अधर्म से भी कोई ताल्लुक नहीं, उसके अंजाम से भी कोई ताल्लुक नहीं। रितु प्लीज, प्लीज अगर तुम मेरी मदद करोगी तो हम मिलकर सुनील को एक और पाप करने से बचा सकते हैं। अब भी वक्त है रितु, वरना करण का खून सुनील की आत्मा के जख्मों से जिंदगी भर बहता रहेगा। तो क्या चाहती हो तुम मुझसे? क्या करूं मैं? मैं सिर्फ वो कैसर चाहती हूं जो इस केस का अहम सबूत है। मुझे नहीं पता वो कैसेट कहां है। प्लीज रितु, प्लीज वो कैसेट मुझे दे दो। रितु, वेदा मैंने कहा ना एक बार, मुझे मुझे उस कैसेट के बारे में कुछ नहीं पता। किस कैसेट के बारे में? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कौन सी कैसेट के बारे में बात कर रही हूं? रितु, तुम ये कैसे जानती हो कि मैं किस कैसेट के बारे में बात कर रही हूं? इसका मतलब है कि बंसल वाला कैसेट तुम्हारे पास है, तुम उसके बारे में सब जानती हो। जानती हो ना रितु? रितु जानती हो ना तुम? हाँ, मैं सब जानती हूं। प्लीज रितु, प्लीज वो कैसेट मुझे दे दो। रितु, वो था मेरे पास, वो नहीं है अब मेरे पास। मिटा दिया मैंने उस सबूत को, तबाह कर दिया उस कैसेट को। कितनी बार चीयर्स कर चुका तुमसे यार। कम से कम खुशी के मौके पर खुश रहना सीखो तुम ऋषभ। सुनील, कोर्ट में जो कुछ भी हुआ, क्या तुम्हें लगता है कि वो वाकई खुशी की बात है? बेशक, मेधा की करण को बेगुनाह साबित करने की तमाम कोशिशों को अदालत ने रद्द कर दिया है, लेकिन फिर भी करण को गुनहगार साबित नहीं किया गया, उसे सजा नहीं दी गई। हर चीज पकने में वक्त लेती है। अब जैसे देखो, प्रेशर कुकर होती है, प्रेशर कुकर में 3 सीटी बजने के बाद सब्जी पकती है। तो ये समझ लो कि आज अदालत में जज के मुंह से पहली सीटी की आवाज तो निकल ही गई। बुरा मत मानना सुनील, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है जैसे हमारे लिए खुशी बहुत ही ओवरड्यू थी, इसलिए कोई भी बहाना बनाकर हम लोग अपने आप को ही खुश किए जा रहे हैं। बल्कि मुझे तो यह लगता है कि ऋषभ मल्होत्रा का खुश हो पाना बड़ी मुश्किल सी बात है, वरना जो हमें खुशी मिली है भाई, बड़ी मुख्तसर सी खुशी है, आपको पता नहीं है। सुनील, जिस भाषा में जज आज बात कर रहे थे वो भाषा मेरी समझ में आती है, और मैं इतना समझ पाया हूं कि करण की सजा कुछ दिनों के लिए टल गई, और इतने दिन काफी है मेधा के लिए अपने केस को मजबूत करने के लिए। देखो, जो बेसब्र आदमी होता है ना, उसे हवाई जहाज की रफ्तार भी धीमी ही लगती है। तुम सब्र की बात करते हो, करण को लेकर मेरा सब्र जो है, उस बारे में तुम कुछ नहीं जानते, कुछ भी नहीं। भाई, मुल्क का कानून तो नहीं लांग सकते ना करण को सजा दिलवाने के लिए। मुल्क का कानून इस बुनियाद पर बना है कि भले ही 9 गुनहगार सजा पाने से बच जाएं, पर एक बेगुनाह, उसको सजा बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन करण बेगुनाह नहीं है। हाँ, और उसे सजा मिलनी चाहिए।
ऑफ कोर्स नहीं, और यही तो हमारा केस है, पर न्याय अपनी गति से होगा, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अब जज साहब जो हैं, वो हर सबूत, हर सफाई, हर गवाह, हर इल्जाम को जांचने परखने के बाद ही सजा सुनाए। देखो सुनील, मैं ये सब कुछ नहीं जानता, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि करण को उम्र कैद की सजा मिलनी चाहिए, ताकि हमारी दुनिया से वो हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाए। ठीक है, फिर सजा क्यों? सिर्फ फांसी की सजा दिलवा देते? नहीं, नहीं, फांसी नहीं। मैंने कभी ये नहीं कहा कि करण को फांसी होनी चाहिए, बस तुम इसे लंबी सजा दिला दो बस। लेकिन सुनील, फांसी नहीं। हाँ, फांसी। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। तो फिर आज दिन भर के लिए इतनी मेहनत काफी है, तुम जाओ भाई, जाके सो जाओ, मुझे बहुत जोर से नींद आ रही है भाई। हमारे ये सोने का वक्त है और डिफेंस के जागने का वक्त है। जाओ जाके रिलैक्स करो, सो जाओ तुम, बाकी मुझ पे छोड़। सुनील, फांसी नहीं। बिल्कुल। टेक केयर यार। ना दिल से दोस्ती कर पाए ना दुश्मनी, ऋषभ मल्होत्रा, यही खामी है तुम में। डिसाइड करो यार, करना क्या है। रोज जब मैं घर आई तो सुनील उस कसर को मिटाने की तैयारी कर रहा था। वैसे ही हमारे रिश्ते में कई महीनों से काफी तनाव चल रहा था, और जब मुझे उस कसर के बारे में पता चला तो मैं बौखला गई। मेरा सुनील लगातार मेरी नजरों से गिरता जा रहा था और मुझसे कबूल नहीं हो पा रहा था। सेट में बंसल की आवाज मिटाने के लिए सुनील ने अभी रिकॉर्ड का बटन दबाया ही था कि हम दोनों के बीच बहुत ही बदसूरत सी बहस शुरू हो गई। ना ही मुझे सूझा और ना ही सुनील का ध्यान गया कि हमारी बहस उस कैसेट में रिकॉर्ड हो रही थी। बहस खत्म हो गई, हम दोनों अपने काम पे लग गए, सुनील दिल्ली चला गया। और एक दिन जब वो कैसेट मेरे हाथ लगी तो मैं घबरा गई, क्योंकि उसमें बंसल की आवाज तो मिट चुकी थी लेकिन सुनील का इकबाले जुर्म रिकॉर्ड हो चुका था, और अब वो सबूत कहीं ज्यादा सनसनीखेज हो गया था, क्योंकि बहस के दौरान सुनील ने सब कुछ उगल दिया, सारी हकीकत। तुमने क्या किया उस कैसेट का? रितु, पहले तो मैंने उस कैसेट को चकनाचूर करके डस्टबिन में फेंक दिया, और तब भी दिल नहीं माना तो मैंने उस कैसेट को जला दिया, और साथ में मेरी सारी उम्मीदों को खाक में मिला दिया। तुम भी अपने पति के पाप में साझेदार हो गई रितु। मैं क्या करूं मेधा, मैं अपने पति के साथ जहन्नम झेल सकती हूँ लेकिन खुद अपने हाथों से तो उसे नर्क में नहीं ढकेल सकती ना। और करण, करण के इंसाफ का क्या होगा सोचा? मेरे लिए सिर्फ अपने पति की तरफ अपना धर्म अहमियत रखता है। वाह, क्या तरीका है धर्म निभाने का, जो खुद ही अपने पति को अधर्मी, पापी और हैवान बना रही है। मेधा, रितु, तुमने खुद अपने पति की कब्र खोदी है और करण की कब्र तुम्हारी जिंदगी की जमीन के नीचे खींच गई। मैं देखती हूं और तुम भी देखना कौन सी खुशी, कौन सा सुकून तुम्हारे आसपास आकर भटकता है। करण तो फांसी चढ़कर एक झटके में मर जाएगा रितु, लेकिन एक बेगुनाह को फांसी देने के जुर्म में तुम दोनों
रोज सजा भुगतोगे, रोज एक मौत मरोगे रितु। तुम्हें क्या लगता है तुमने सही किया? तुमने अपने पति का जहन्नुम तक साथ नहीं दिया बल्कि खुद हाथ बढ़ाकर उसे जहन्नुम तक खींच लिया है।